प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है जो खुद अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह योजना सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावना का प्रतीक है। लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए एक मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को बिना गारंटी का लोन कारोबार के लिए प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण शिशु, किशोर और तरुण मुहैया कराए जाते हैं। शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रूपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। किशोर मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है एवं तरुण मुद्रा लोन के अंतर्गत 5 लाख रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 34.42 करोड़ लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन मुहैया करवाया जा चुका है। 22% नए उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आवंटन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 4.86 करोड़ PMMY ऋण खातों में 3.07 लाख करोड़ रुपए लोन के लिए स्वीकृत किए गए। कुल ऋणों में से लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की औसत राशि 54,000 रूपए है। 86% ऋण दिए गए हैं। करीब 23% कर्ज SC और ST के उद्यमियों को दिया गया है। लगभग 28% ऋण OBC वर्ग को दिया गया है। लगभग 11% ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को दिया गया है। यह योजना छोटे व्यवसाय को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत शिशु लोन लेने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए ऋण योजना को इस तरह बनाया गया है जिससे सभी क्षेत्रों के लिए यह लाभकारी सिद्ध हो। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत भी अधिकतम लोन महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। यह योजना देश के नागरिकों के व्यवसाय के विस्तार करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। वह विनिर्माण, व्यापार, कृषि आदि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित कर सके। PMMY के तहत आय सृजन की गतिविधियों के लिए टर्म लोन और कार्यशील पूंजी दोनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लोन दिए जाते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत एक वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया जाता है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पर लोन ब्याज लिया जाता है। योजना के अंतर्गत कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, माल परिवहन वाहन, 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा आदि के लिए लोन लिया जा सकता है।